बड़ी खबर माफिया अतीक अहमद को लेकर है, जिसे फिर एक बार प्रयागराज ले जाया जाएगा। अतीक अहमद इस वक्त गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। कुछ दिनों पहले ही उमेश पाल के अपहरण के मामले में जब पेशी होनी थी अदालत में, फैसला सुनाया जाना था, तब प्रयागराज उसे लाया गया था साबरमती सेंट्रल जेल से। लेकिन पेशी हुई, सुनवाई हुई, सजा हुई और उसके बाद एक बार फिर उसे साबरमती जेल भेज दिया गया था। अब जानकारी यह है कि अतीक अहमद को एक बार फिर से प्रयागराज लाया जाएगा। इसकी वजह क्या है, ये अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है इस वक्त अतीक अहमद, और अब जानकारी यह है कि अतीक को एक बार फिर से प्रयागराज लाया जाएगा। अब से कुछ दिनों पहले उमेश पाल के अपहरण केस में अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाया गया था, तब अदालत में उसकी पेशी हुई थी और उमेश पाल अपहरण के मामले में फैसला सुनाया गया था, उम्र कैद की सजा दी गई थी। उदय और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। उदय, क्यों लाया जा रहा है फिर प्रयागराज? विशाल देखिए, जिस प्रकार से बात की जाए अतीक अहमद को लेकर, तो अतीक अहमद जो है उसको फिर यूपी पुलिस लेने के लिए यहाँ पे अहमदाबाद सेंट्रल जेल पे पहुंच चुकी है। थोड़े दिन पहले ही पीएसआई से कांस्टेबल जितने भी थे उन्होंने भी यहाँ पे एक इंटीमेशन दिया था कि उमेश पाल की हत्याकांड को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके अंदर नाम जो सामने आया है अतीक अहमद का, वो कहीं ना कहीं मुख्य रोल पे है, मुख्य आरोपी है। तो उसको लेकर ही अभी यूपी पुलिस की फोर्स जो है पूरी यहाँ पे सेंट्रल जेल पे पहुंच चुकी है। कायदा की प्रक्रिया जितनी भी रहेगी, दस्तावेजी काम जितना रहेगा, वो अभी फिनिश करके अतीक अहमद को लेकर बाय रोड फिर से प्रयागराज जाया जाएगा।